Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Students, chapter number 5 index number I have started aur aaj ka lecture number 13 hai aur aaj ka topic students mein jo aapke sath discuss karne ja raha hu which is consumer price index number it is also called cost of living index number aur students hum topic jo hai wo start karte hain aur isme bhi iske dono methods mein aapke sath discuss karunga consumer price index number ke aur then fir main exercise ka question bhi aapke sath yahan pe discuss karunga to students main start karta hu apna topic consumer price index number और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. टुडेज लेक्चर्स कंटेंट्स आर फर्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा ब्रीफली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन और सेकंड पॉइंट मेरा जो होगा वो आपके साथ मेथड्स को डिस्कस करूंगा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और थर्ड पॉइंट पे स्टूडेंट्स में डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.13 और जिसमें हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को बाय यूजिंग मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. नाउ स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, दिस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे देर आर द टू नेम्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. से फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकंड वन इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और एंड थर्ड वन इज द रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर. तो स्टूडेंट किस कोई भी नाम जो है वो आपके पास जो है वो एग्जाम्स में जो है वो गिवन हो सकता है. किसी भी नाम से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो गिवन हो सकता है. तो यू कैन कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर. तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा. दिस इंडेक्स नंबर इज डिजाइन टू मेजर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग वी मीन दैट द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज परचेज्ड बाय अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ अ पीपल इन अ टाउन और अ एरिया. तो स्टूडेंट्स ये हमारे ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है ये बिल्कुल आपके पास जो है एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है और जो भी वो गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उसके लिए जो भी कॉस्ट वो पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हम कैलकुलेट करेंगे उसका इंडेक्स नंबर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे. तो वो कह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर क्लास या किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो कोई भी हाउस होल्ड है तो उसके उसके ऊपर जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को जो भी वो गुड्स और सर्विसेज को जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं या उसकी कॉस्ट को पे कर रहे हैं. दीज गुड्स एंड सर्विसेज कार्ट मार्केट बास्केट. आपके पास ये जो भी गुड्स और सर्विसेज जो है वो कोई भी पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो उसको यूज कर रहा है तो वो आपके पास कहलाएंगी मार्केट बास्केट. और मार्केट बास्केट के अंदर जो इंक्लूड होंगे आइटम्स वो आपके पास कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट वन इज द फूड, सेकेंड वन इज द हाउस रेंट, थर्ड वन इज क्लोथिंग जो कि बिल्कुल आपके पास जो है वो रिलेट कर रहा है कंज्यूमर के साथ. फ्यूल यूज कर रहा है कंज्यूमर एंड लाइट, फ्यूल एंड लाइट एंड एजुकेशन. और लास्ट वन इज द मिसलिनियस आपके पास जो भी आइटम्स हैं या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स जो भी कस्टमर जो है उसको उसके लिए जो भी आपके पास कॉस्ट पे कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स पर वो आपके पास इंक्लूड होगा मार्केट बास्केट में. तो ये आपके पास ऑलमोस्ट जो है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 देर आर 6 मार्केट बास्केट. तो आपके स्टूडेंट्स के नेम्स जो हैं वो याद होने चाहिए मार्केट बास्केट के. समटाइम्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो है वो राइट करने के लिए जो है वो पेपर्स में आपके पास यहाँ पे पूछा जा सकता है. देन स्टूडेंट्स प्राइसेस, द प्राइसेस यूज्ड हियर आर द एवरेज रिटेल प्राइसेस paid by customers for the purchase of goods and services. तो prices जो है वो जो भी हम use कर रहे हैं वो retail prices जो है वो हम लोग ले रहे होते हैं retail average retail prices किसी भी आपके पास goods और services की जो भी customer जो है उसको purchase कर रहे हैं. The weights are the proportional of expenditures on different goods and services. और वो जो है आपके पास जो भी quantities को कंज्यूम कर रहा है वो उसकी proportional होगी उनके goods और services के according. ठीक है तो ये आपके पास थोड़ा सा ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को. इट इज आल्सो कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर. और जो इसके साथ जो भी आइटम्स जो हैं वो कंज्यूमर के साथ रिलेटेड हैं दैट इज आर द मार्केट बास्केट. और वो आपके पास फूड है, हाउस रेंट है, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट, एजुकेशन एंड मिसलेनियस आइटम्स और एक्सपेंडिचर्स. कंटेंट्स का सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स मेरा मेथड्स था कि मैं आपके साथ मेथड्स को एक्सप्लेन करूं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के. तो मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर.
Methods of construction of consumer price index numbers are, there are the two methods are used for construction of the consumer price index number. Students, first one is the aggregate expenditure method. Ye aapka first method hoga to calculate the consumer price index number. Or second method, students, jo hum log use kar rahe hain, and it is the family budget method. It is also called household budget method. Both methods give the same results. कोई भी technique आप use कर सकते हैं students, कोई भी method जो है वो use कर सकते हैं. अगर आपको जो है वो questions हो कि calculate the consumer price index number, तो one of the method you can use to calculate the consumer price index number. तो दो methods हैं, aggregate expenditure method and family budget method. Aggregate expenditure method, in this method the quantities consumed in the base year are taken as weight. बेस ईयर की क्वांटिटीज को यूज करेंगे स्टूडेंट्स. यहाँ पे वेट, इट इज द बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर गिवन बाय द लेस्पर फार्मूला. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बिल्कुल एज इट इज जो है, जहाँ पे हम लोग बेस ईयर की क्वांटिटीज को एज अ वेट के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इन लेस्पर में हम लोग जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटीज को एज अ वेट के तौर पर यूज कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो एज इट इज आपका लेस्पर फार्मूला होगा. तो लेस्पर फार्मूला जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो सी आपके पास क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट जो है वो बेस ईयर की क्वांटिटीज है और ये एज अ वेट के तौर पर यूज हो रही है. तो समिशन आपके पास फार्मूला जो बनेगा वो समिशन पी एन क्यू नॉट ओवर समिशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, और ये एज इट इज फार्मूला जो है वो आपके पास लेस्पर होगा इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में. और यहाँ पे वेयर समिशन पी एंड क्यू नॉट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर्स इन द गिवन ईयर और करंट ईयर विद द बेस ईयर क्वांटिटीज, एंड समिशन पी नॉट क्यू नॉट रिप्रेजेंट द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द बेस ईयर और करंट ईयर क्वांटिटीज आर नॉट यूज्ड एज वेट बिकॉज दे चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो करंट ईयर की क्वांटिटीज को हम एज अ वेट के तौर पर यूज नहीं कर सकते इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में, क्योंकि वो ईयर टू ईयर जो है वो चेंज हो रही होती है. तो आपके पास यहाँ पे समिशन पी एन क्यू नॉट और समिशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जिसको हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए. Second method of the consumer price index number is the family budget method. This method is the weighted average of price relative the amount of the expenditures incurred by families on various items in the base period are used as weight. This method is called family budget method. तो आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस ईयर की जो प्राइसेस और क्वांटिटीज हैं इनको एज अ वेट के तौर पे यूज कर रहे हैं. तो इस मेथड को हम लोग जो है वो कहेंगे फैमिली बजट मेथड, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय फैमिलीज कंसर्न्ड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फैमिली इंक्वायरी. तो स्टूडेंट्स यहाँ का जो ये जो फॉर्मूला है फैमिली बजट मेथड का, जस्ट लाइक वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड जिसको ऑलरेडी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को, तो आपने यहाँ पे IW का फॉर्मूला जो है वो यूज करना है और समिशन IW ओवर समिशन W. इस टेक्निक को हम लोग जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में. और यहाँ पे आपके पास आई जो है वो दीज आर द प्राइस रिलेटिव्स, आई इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट, वेयर पी आई इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100. और वेट्स जो है वो आपके पास बेस ईयर वैल्यूज के होंगे, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द बेस ईयर वैल्यूज मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ द बेस ईयर प्राइसेस एंड बेस ईयर क्वांटिटीज. तो ये आपके पास जो है वो वेट्स होंगे W इक्वल टू P नॉट Q नॉट. तो आप IW ओवर समिशन W ये फार्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फैमिली बजट मेथड के लिए. और I जो है वो आपके पास यहाँ पे पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 है और इसको वेट से मल्टीप्लाई किया, देन इसको सम किया गया. तो आप लोग जो है उसकी शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो है वो आपने स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला यूज करना है समिशन IW ओवर समिशन W इन फैमिली बजट मेथड टू कैलकुलेट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर. नाउ स्टूडेंट्स इन थर्ड पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.13 जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को. एन एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.13 स्टूडेंट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. द स्टेटमेंट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.13 इज एन इंक्वायरी इनटू द बजट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज इन अ सिटी. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन. तो स्टूडेंट्स आपके पास मिडिल क्लास फैमिली का एक बजट जो है 2 ईयर्स का गिवन है और इसमें आपके पास आर्टिकल्स जो है वो फूड है, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड मिसलिनियस आइटम्स. तो 35% जो है वो आप जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं ऑन फूड के ऊपर, 15% यूज कर रहे हैं ऑन रेंट,
20% ऑन क्लोथिंग, 10% ऑन फ्यूल एंड 20% जो है वो उसके मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स होंगे। तो यहाँ पे गिवन है आपके पास प्राइसेस गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1928 की प्राइसेस गिवन है और साथ में 1929 की प्राइसेस भी गिवन है जो उस टाइम जो है उसने यूज़ की थी। तो फूड जो है वो 150 है और 145 जो है 1929 में था, 30 एंड 30 रेंट, क्लोथिंग में 75 एंड 65, फ्यूल 25 एंड 23 एंड मिसलिनियस आइटम्स में 40 एंड 45 आर द प्राइसेस ऑफ द 1928 एंड 1929। व्हाट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द फिगर्स ऑफ द 1929 शो एज कम्पेयर टू 1928। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है फॉर 1929 के लिए एज कम्पेयर टू 1928। तो 1928 जो है मेरे पास बेस होगा और किस करंट ईयर जो है मेरे पास यहाँ पे 1929 होगा, और इसके लिए हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और उसमें चेंज को जो है वो हम लोग मेजर करेंगे इन दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.13 स्टूडेंट्स, ऑल इन्फॉर्मेशन वी हैव टू राइट इन द कॉलम फॉर्म। द फर्स्ट कॉलम जो है वो आपका कमोडिटी को होगा जिसमें आपने तमाम कमोडिटीज को राइट करना है। फर्स्ट कॉलम में फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल एंड मिसलिनियस आइटम्स, और 1928 की प्राइसेस जो हैं वो आपके पास बेस ईयर की प्राइसेस होंगी और 1929 की प्राइसेस जो हैं वो आपके पास करंट ईयर की प्राइसेस होंगी। तो आपने इसको डिनोट करना है 1928 के प्राइसेस को पी नॉट से, और 1929 के प्राइसेस को हम डिनोट करेंगे पी एन से, और उसके बाद जो हमें गिवन थे वेट्स जो कि आपके पास वो उसको अपने मार्केट बास्केट वैल्यूज को जो वेट्स कर रहा था वो आपके पास आपको गिवन था क्वेश्चन में। तो 35% जो है वो वेट अपने फूड के लिए था, 15% जो है वो आपके पास रेंट के लिए था, और उसके बाद 20 आपके पास जो है वो क्लोथिंग के लिए, 10 आपके पास फ्यूल, और लास्ट जो है मिसलिनियस आइटम्स के लिए 20 यूज कर रहा था। तो सम ऑफ वेट्स जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं समेशन W, ये आपको उस क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बाद आपके पास आपने कैलकुलेट करना है हाउस होल्ड बजट मेथड से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे पास फार्मूला जो है वो समेशन WI ओवर समेशन W। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो आपने डब्ल्यू आई का कॉलम स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आई हैव प्रिपेयर द प्राइस रिलेटिव कॉलम। प्राइस रिलेटिव कॉलम इज द I, और I बराबर है आपके पास पी एन ओवर पी नॉट, दीज आर द प्राइस रिलेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ 1928। तो आपने क्या करना है यहाँ पे 145 को डिवाइड कर दें 150 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 96.67, और देन फिर आपने 30 को डिवाइड करना है 30 पे 1929 की जो आपके पास प्राइसेस ऑफ रेंट हैं इसको डिवाइड करेंगे 1928 की प्राइसेस पे 30 पे और आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर 100 आ जाएगा। और सिमिलरली आपने वन बाय वन तमाम प्राइसेस को बेस ईयर की प्राइसेस पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो आपका प्राइस रिलेटिव का कॉलम जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो हमें डब्ल्यू आई का चाहिए, तो डब्ल्यू आई का कॉलम प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वेट्स के साथ प्राइस रिलेटिव्स का। तो आपने अपने वेट्स का कॉलम जो है इसको मल्टीप्लाई करना है प्राइस रिलेटिव के कॉलम के साथ। तो फर्स्ट वैल्यू जो है यहाँ पे आपके पास वेट्स की 35 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस रिलेटिव 96.67 से, और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3383.33। देन फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 15 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और आंसर इज 1500, और 20 मल्टीप्लाई होगा 86.67 से, तो 1733.33, और सिमिलरली आपने 10 को मल्टीप्लाई करना है 92.0 से, तो आंसर 920, और लास्ट जो है वो मिसलिनियस आइटम्स के लिए जो है 20 और वेट्स है और प्राइस सेट इज 112.5 है, आंसर आपके पास 2250 यानी 2250। और आपने देन फिर इस कॉलम का सम कैलकुलेट करना है, और ये आपके पास सबमिशन WIW या सबमिशन WI 9786.66, दिस इज द सबमिशन IW, ये आपने यूजिंग कैलकुलेटर इसका सम कैलकुलेट कर लेना है, और इसको देन फिर हम फार्मूला में पुट करेंगे
और फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपके पास यहाँ पे समीशन WI 9786.66 और सम ऑफ वेट्स 100 है और आपके पास आंसर आ जाएगा 97.87। तो ये आपके पास यूजिंग हाउस होल्ड मेथड जो कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव टेक्निक थी उससे हमने कैलकुलेट कर लिया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और देन हम इसको कंपेयर करेंगे। सिंस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर 1929 इज लेस देन 100 तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 97.87 है वो इंडेक्स जो है वो 100 से कम है तो आप कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट द प्राइसेस हैव फॉलन इन 1929 एज कंपेयर टू दोज इन 1928 तो 1928 के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी प्राइसेस जो है वो फॉल कर गई हैं कम हो गई हैं लेस हो गई हैं गिर गई हैं इन 1929 में। तो ये आपके पास था क्वेश्चन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जो कि उसने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के फॉर्म में आपसे जो है वो क्वेश्चन किया है तो इसको आपने इस तरह से जो है वो कैलकुलेट करना है और डब्ल्यू आई का कॉलम कैलकुलेट करके सम ऑफ वेट्स पे डिवाइड कर देना है तो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को और उसके दोनों टेक्निक्स को जो है वो मैंने ब्रीफली डिस्कस किया और एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे भी मैंने इसको अप्लाई किया और कैलकुलेट किया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक को जो है मैं कंटिन्यू करूंगा तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स आपसे आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर देना है तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू।